iron manufactured in these factories is sent to different parts of the country through rail truck. It is factory में जो लोहे जो iron बनते हैं उसको country के सभी जगहों पर क्या किया जाता है, डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है, डिफरेंट डिफरेंट जगह पर उसे भेजा जाता है और किसके थ्रू भेजा जाता है, जैसे ट्रक बाई रेल इन सभी साधनों के थ्रू उसे भेजा जाता है। सेफ्टी ऑफ द एम्प्लॉय, सेकेंड है हमारा सेफ्टी ऑफ द एम्प्लॉय, मतलब जो फैक्ट्री में वर्कर्स वर्क करते हैं उनकी सेफ्टी। There are big furnace and machine in the factory. फैक्ट्री में क्या होता है, बहुत बड़े बड़े मशीन होती हैं, बहुत बड़े बड़े भट्टे होते हैं। द टेम्परेचर इन दिस फर्नेस इज एक्सट्रीमली हाई टू मीट द आयरन, जब आयरन को मीट किया जाता है, पिघलाया जाता है, तो इसका टेम्परेचर क्या होता है, बहुत ज़्यादा अधिक होता है। मिनिमम स्टॉन पार्टिकल्स कम आउट ऑफ द फास्ट मूविंग मशीन, जब बड़ी बड़ी मशीनें चलती हैं तो उससे क्या करते हैं, उससे बहुत कंकड़ पत्थर के जो स्टॉन्स होते हैं वह निकलते हैं। हेंस इज एसेंशियल फॉर पीपल ऑपरेटिंग दिस मशीन टू टेक सेफ्टी मेजर्स, इन सबको चलाने के लिए जो वर्कर होते हैं वह उनकी सेफ्टी क्या होती है, बहुत ज़्यादा जरूरी होती है। फिर हमारा पॉल्यूशन, थर्ड पॉइंट है हमारा पॉल्यूशन। पॉल्यूशन मीन्स क्या होता है, पॉल्यूशन मीन्स होता है प्रदूषण हमारे चारों ओर, यदि कोई गंदगी फैलती है तो हम उसे क्या बोलते हैं, पॉल्यूशन। पॉल्यूशन क्या है, द आयरन फैक्ट्रीज इमिट स्मोक्स एंड डस्ट पार्टिकल्स विच स्टिल इन द नेबरिंग जंगल्स फील्ड्स एंड विलेज, द डर्टी वाटर विच कम्स आउट फ्रॉम देयर फैक्ट्रीज पॉल्यूट द नियर बाय सॉइल एंड क्रॉप्स, पीपल लिविंग इन द सराउंडिंग एरिया आर प्रोन टू मैनी डिजीज बिकॉज ऑफ द डस्ट एंड स्मोक, टू इंश्योर दैट एयर वाटर एंड लैंड आर नॉट पॉल्यूट द गवर्नमेंट हैव इन्फोर्स्ड स्ट्रिक्ट रूल। जो आयरन के फैक्ट्री से उनसे क्या निकलता है, धुआं धूल के कण बहुत सारे डस्ट पॉल्यूशन क्या होते हैं उनसे निकलते हैं, जो हमारे आसपास के जो फील्ड हैं जो जंगल्स हैं जो विलेज हैं उन सबको वो क्या करते हैं, पूरी तरह से इफेक्टेड करते हैं, उनसे क्या होते हैं जो वहाँ के लोग रहते हैं वो क्या होते हैं उससे इफेक्टेड होते हैं, उन्हें कई तरह की क्या होती हैं डिजीज हो जाती हैं। फैक्ट्री से जो भी गंदे पानी निकलती हैं वह क्या होते हैं, डर्टी वाटर जो निकलते हैं वहाँ से, वहाँ के आसपास के जो फसल होते हैं जो सॉइल होते हैं जो पेड़ होते हैं उसको क्या कर देते हैं, मिट्टी उनको उन सभी को खराब कर देते हैं। पीपल धुएं और धूल से जो उनसे डस्ट निकलता है उनसे जो स्मोक्स निकलते हैं उनसे क्या होती हैं, बहुत सारी डिजीज हो सकती हैं। सरकार जो गवर्नमेंट है उन्होंने जो फैक्ट्रीज हैं उनसे जहाँ जहाँ फैक्ट्रीज लगती हैं तो वहाँ फैक्ट्रीज लगाने के लिए बहुत सारे रूल रेगुलेशन को क्या किया है, एक्टिव किया है। तो इन सभी जो कहना चाहिए गवर्नमेंट के जो रूल रेगुलेशन है ये सभी अलाउड है, किस लिए कि ये सभी जो समस्याएं हैं वह ना हों। फिर फैक्ट्री से क्या वाटर और जमीन क्या गंद मतलब डर्टी ना हो इसके लिए क्या किए जाते हैं, इंतजाम किए जाते हैं। तो आपका चैप्टर 4 हाउ इज आयरन मेड इज कंप्लीटेड, आप लोग इसे अच्छे से पढ़िए समझिए और जो ना बने वो मुझसे पूछिए। इस चैप्टर का क्वेश्चन आंसर मैं आप लोगों को कल लिखवाऊंगी।